आरती आरती क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे ये देखो, सरस्वती। हाँ सरस्वती, सरस्वती ठीक ही कहती थी कि चारों बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। आरती याद है तुम्हें उस रात डाइनिंग टेबल पे जो हमारी बातें हुई थी? हाँ याद है मुझे सब कुछ। बंटी देखो शायद पापा आ गए, दरवाजा खोल दो। मैं भी बिजी हूँ, मैं नहीं खोल सकता, खुद खोल लो। ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला। वेलकम पापा। बंटी कहाँ है? गेम खेल रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? ओह पापा प्लीज छोड़ो, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, गेम खेलो, तब तक मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। और तुम क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ। ठीक है। आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। अच्छा ठीक है। देखो तो कौन है। पापा आ गए? हाँ। अरे वाह पकौड़े, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। वाह इतने लजीज पकौड़े तो बस तुम ही बना सकती हो, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। वाह बस बस बहुत हो गई तारीफ, आप जल्दी जल्दी खाइए, मैं अभी आती हूं। बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है, बैठो तो सही। क्या बात है? देखो बात ऐसा है कि सरस्वती के लिए मैंने एक लड़का देखा है, घर परिवार एक नंबर है, उस घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, दो भाई हैं, दोनों अच्छा कमा रहे हैं, पिताजी की पेंशन है, और हमें क्या चाहिए, मतलब उस घर में कोई कमी नहीं है। इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं है, अभी तो पढ़ रही है, उसका सपना है कि कोई सपना अपना नहीं, बेटियों की शादी सही समय पर कर देनी चाहिए, समय देख रही हो कितना खराब चल रहा है, बहुत हो गया, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, एक दो हफ्ते में बात फाइनल करता हूँ, ठीक है? इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। दीदी क्या हुआ तुम्हें, अभी तक तो तुम ठीक थी, चेहरा क्यों गिर गया तुम्हारा? कुछ नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे भी किसी से कुछ बात नहीं करनी। बात नहीं करनी क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो रही है, अब से सारी पढ़ाई लिखाई बंद, चूल्हा चौका चालू, हमें कोई हक नहीं है अपने बारे में फैसले लेने का। क्या क्या सोच रखा था कि अफसर बनूंगी,
अपने सपने को अपने तरीके से जीऊंगी। पर और कुछ नहीं, चार चार बेटियां हैं, सर पे बिठा के नहीं रह सकते, समाज भी है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गए तो कौन जिम्मेदार होगा? हम लेंगे अपनी जिम्मेदारी। मैं ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। मैं पापा से बात करूंगी। अब कोई बात नहीं होगी, घर परिवार मुझे पसंद है, ये शादी होगी और जरूर होगी। कुछ नहीं होगा, मैं अपनी बात पापा मम्मी के सामने रखनी होगी, अपने सपनों के बारे में बताना होगा कि तू सिंगर बनना चाहती है, ये साइना नेहवाल बनना चाहती है। हमें डरना नहीं है, अपने सपनों के लिए लड़ना है। मैं इस शादी की बलवेदी पे अपने सपनों की भेंट नहीं चढ़ा सकती। अरे छोड़ो छोड़ो, एक दूसरे को छोड़ो। जब देखो तब तुम लोग बदमाशी करते रहते हो, जब देखो तब झगड़ा करते हो। सालू, ये भाई है तुम्हारा, जब देखो तब झगड़ा करती रहती हो, ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती है? लड़की हो लड़की की तरह रहो। बंटी उठो यहाँ से, चलो मेरे कमरे में पढ़ाई करो। पापा कभी भी बंटी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो लड़का है। इसलिए ऐसा नहीं है, भाई है तुम्हारा, अगर वो कुछ गलत करता है तुमको अवॉइड करना चाहिए। आप भी उसी की साइड लेती हो, उसने मेरी कॉपी फाड़ दी, उसका कुछ नहीं। वो बेटा है, तुम बेटी हो, बेटियों को ये अधिकार नहीं है कि वो विरोध करें, क्योंकि वो तो पराई होती है, उनकी इच्छा आकांक्षा कुछ मायने नहीं रखती। आखिर ब्याह कर दूसरे घर ही जाना है, यही उनकी जिंदगी और यही हमारी औकात। ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? दीदी ठीक ही तो कह रही है मम्मी। अब तू भी चालू हो गई? चालू नहीं, यही सच है। हाँ कुछ भी रहे बंटी को दे दो, दूध बंटी पिएगा, कुछ खाना हो तो बंटी खाएगा और जितना इच्छा उतना खाएगा, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बहुत बोलने लगी हो तुम लोग, एक ही भाई है और उसके बारे में तुम लोग ऐसा बात कर रही हो, जबकि तुम लोग को अच्छी तरह से पता है कि कितने पूजा पाठ मन्नतों के बाद वो हमको मिला है। कोई भी मंदिर मजार ऐसा कोई जगह बचा नहीं है जहाँ हमने मत्था न टेका हो। अच्छा मम्मी, बेटी पाने के लिए भी लोग क्या ऐसे पूजा पाठ और मन्नतें मांगते हैं? मांगते ही होंगे। कोई नहीं मांगता, क्योंकि बेटी कोई चाहता ही नहीं। जिस दिन जिस घर में बेटी जन्म लेती है, घर को तो छोड़ दो, माँ बाप भी नहीं पूछते, क्योंकि बेटी एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है। पढ़ाओ लिखाओ, मोटा दहेज दे के विदा करो और जिम्मेदारी से मुक्ति पाओ, यही एक बेटी की जिंदगी। कोई कभी ये नहीं पूछता कि वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है। बस बस बहुत हो गई बहसबाजी, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो और चल के डाइनिंग टेबल पे खाना लगाओ। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना वरना बाद में, पहले चुपचाप खाना खाओ। कहने दो, बोलो। पापा, आप मम्मी से मेरी शादी की बात कर रहे थे। हाँ तो
मैं भी शादी नहीं करना चाहती। पहले चुपचाप खाना खाओ, बातें बातें बाद में होंगी। तो क्या करना चाहती हो? मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई, सपने अपने, सब शादी के बाद भी तो हो सकता है। पापा लेकिन मैं ये सब कुछ करने के बाद शादी करना चाहती हूँ। अब तुम बच्चे में ही कर रहे हो। बदतमीजी नहीं पापा, अपनी लाइफ और अपनी फ्यूचर की बात कर रही हूँ, और आपसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? पापा, मम्मी, पहले और अब में यही तो बदलाव आया है कि लड़कियों की जिंदगी किचन और बच्चों तक ही सीमित नहीं है। अब वो हर एक सारे काम कर सकती हैं जो उन्हें कल तक करने की आजादी नहीं थी। आपने कभी श्रद्धा को गाते हुए सुना है? आंचल को कभी खेलते हुए देखा है? कभी शालू की कलाकारी देखी है आपने? पापा, हम चारों बेटियां आपके नाम को रोशन करने का हुनर रखती हैं, बस आपका साथ और आपका विश्वास चाहिए। नहीं तो हम जैसी न जाने कितनी लड़कियां अपने सपने को दफन करने के लिए मजबूर हैं। प्लीज पापा, 5 साल और, सिर्फ 5 साल और, फिर देखिए आप इसी समाज में फक्र से कहेंगे कि ये मेरी बेटियां हैं। प्लीज पापा। ठीक है ठीक है, बैठो। आज पहली बार तुम्हें इस तरह से बोलते हुए देखा है। जिस विश्वास से तुम बात कर रही हो ना, तुम पर विश्वास करने को दिल कर रहा है। सच ही तो है, आज बेटियां समाज में हर क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटियों में इतना टैलेंट है। आज से तुम लोग जो करना चाहती करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम सबके सपने पूरे होंगे। थैंक यू पापा। आरती, आज से इस घर में बेटे बेटियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। आज से मेरी 4 बेटियां नहीं बल्कि 5 बेटे हैं। एक बात मेरे समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? यही कि इनको दीदी कहना है कि भैया। आज सरस्वती ने IAS बनके अपने सपने को पूरा कर लिया। आज हमारी चारों बेटियां उस मुकाम पे हैं जहां उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मैं रूढ़वादी था लेकिन बदलाव आया। आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि ये मेरी बेटियां हैं। और आज आपसे भी कहता हूँ, बेटे और बेटी में अंतर ना करें। पढ़ेगी बेटी तभी बढ़ेगी बेटी। शादी नहीं, आजादी दीजिए। बेड़ियां नहीं, रास्ता दीजिए। ये भी चढ़ सकती हैं सफलता की बुलंदियों पर। बेटी हो कह के मरने ना दीजिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नए भारत का मान बढ़ाओ। ये